मेरा एक टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट है जो अभी ऑलमोस्ट 11 साल का बच्चा हो गया. वो मेरे पास ऑलमोस्ट पिछले 6-7 साल से आता है. उसके फादर बड़े ही हेल्पफुल हैं. हर वक्त उसके साथ जाएंगे, क्रिकेट खेलने को जाएंगे, उसके साथ घूमने को जाएंगे. उसके हर एक प्रॉब्लम में एक फ्रेंड की तरह उसके साथ एक रिलेशन बना के रखा है. मतलब ही इज़ ऑल्सो सो मच डिपेंडेंट ऑन हिज फादर. फॉर एवरी स्मॉल थिंग ही विल बी आस्किंग हिज फादर. सो ये जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट इतने छोटे बच्चे को उसके फादर ने दे के रखा है, रियली मोटिवेशनल है, रियली इंस्पायरिंग है. क्योंकि यूजुअली मैंने जो देखा है कि आजकल पेरेंट्स अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं, बच्चा अपनी लाइफ में बिजी रहता है, और एस्पेशली जब वो टाइप 1 डायबिटिक होता है तो वो खुद ही अपने प्रॉब्लम्स में घिर जाता है. उसको ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बन सकते, वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं होता. जैसे फॉर एग्जांपल वो लोगों के साथ क्रिकेट में खेलने में उसको डर लगता है, फुटबॉल खेलने में डर लगता है. उसको लगता है कि मुझको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, मुझको कुछ वूंड्स हो जाएंगे, मुझको एब्रेशंस हो जाएंगे, मैं गिर जाऊँगा. हर एक चीज़ पर वो एक सोच सोच के सारी चीज़ें करता रहता है. तो ऐसे इसमें उसको बहुत ही एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत रहती है. तो ये जो फादर सन का डुओ है, आई रियली सैल्यूट द फादर कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपने बेटे को अपना एक फ्रेंड बना के रखा है. वो खुद अपने बेटे के लिए फ्रेंड है और बहुत ही अच्छे से दोनों मिलकर डायबिटीज़ हैंडल कर रहे हैं. तो हैट्स ऑफ टू सच अ ब्रिलियंट फादर, आई वुड से.